गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 14, ऊर्जा के स्रोत। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैव ऊर्जा के बारे में। हम पढ़ेंगे भी जैव ऊर्जा क्या होती है। जैव ऊर्जा देखो, जैव मात्रा क्या चीज है। पहले जैव ऊर्जा को समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि बायोमास जैव मात्रा क्या होती है। बायोमास का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, और मास मतलब मटेरियल, मैटर। तो जीवित वस्तुओं के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, मतलब हमारी बॉडी जिस चीज से मिलकर बनी हुई है, हम उसको बायोमास बोलते हैं। जो भी जीवित वस्तु है, जैसे प्लांट्स वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एनिमल्स वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम इन दोनों की बॉडी के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, हम उसको बोलते हैं बायोमास या जैव मात्रा। अब जो भी उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, किसकी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, अब उनका प्रयोग, उस मटेरियल का प्रयोग हम ऊर्जा प्राप्ति में कर सकते हैं। जैसे डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम उसको भी बायोमास बोल सकते हैं यहाँ पे। हालांकि जैव मात्रा का मतलब है लिविंग मटेरियल जो भरा हुआ हमारी बॉडी के अंदर। अब हम मर जाएंगे तो वो लिविंग जो मटेरियल है वही तो डेड रिमेन बनेगा। मरे हुए का अवशेष जो बनेगा वो इसी लिविंग मटेरियल से ही बनेगा। तो जो लिविंग मैटर हमारी बॉडी के अंदर भरा हुआ है, या किसी भी लिविंग वस्तु के अंदर, जीवित वस्तु के अंदर जो लिविंग मटेरियल है, उसको हम बोलते हैं जैव मात्रा या बायोमास। ठीक है। अब उसमें प्लांट्स में हम देखें तो उसके अंदर लकड़ी, पत्ते, फल, फ्रूट सब कुछ उसमें जैव मात्रा में आएगा। और एनिमल की बॉडी के अंदर देखें तो स्किन, हड्डियां, पेशियां, बाल वगैरह सब कुछ ये जैव मात्रा में आता है। तो इस जैव मात्रा का प्रयोग हम करने वाले हैं किसके लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। और जिससे जो ऊर्जा इससे प्राप्त की जाती है वो बोली जाती है भाई बायोगैस। हम उसको क्या कहेंगे, बायोगैस बोलेंगे। तो शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बायोगैस। ठीक है। बायोगैस का आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा कि बायोगैस क्या चीज होती है। तो बायोगैस बनती है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स से, मतलब जो जीवित वस्तुओं के गले सड़े अवशेष हैं, या फिर जो जैव मात्रा पौधों में विद्यमान है, जैसे पत्तियां या सब्जियों के छिलके, या पूरी की पूरी सब्जी अगर उसको काट के हम डाल दे किसी गड्ढे में, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका अपघटन हो जाएगा। वो है तो जैव मात्रा ही, बायोमास ही है वो। तो वो बायोमास जो है, वो जैव मात्रा जो है, उनका अपघटन होके कुछ दिन में उनसे एक गैस उत्पन्न होगी, और उस गैस को हम बोलते हैं बायोगैस। और इस बायोगैस का प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है। हालांकि बायोगैस एनसीईआरटी में सिर्फ बायोगैस के बारे में बताया गया है, जबकि जैव मात्रा में मैंने बताया अभी प्लांट्स भी आते हैं, प्लांट्स के पार्ट, और एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, हमें लकड़ी मिलती है। अब लकड़ी का प्रयोग हम बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं। अगर आप ग्रामीण एरिया में जाओगे, वहां पर आज भी जो घरों में ईंधन के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है वो लकड़ी ही होती है। लेकिन लकड़ी के प्रयोग करने की बहुत सारी हानियां होती है। क्या हानि होती है, देखो लकड़ी जब जलती है, हमें पता है लकड़ी जब जलती है तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, और जिससे वायु का प्रदूषण होता है। दूसरा क्या, इसका उसमें मान भी कम होता है, मतलब क्या 17 किलो जूल पर ग्राम, मतलब भाई 17 किलो जूल इतनी ऊर्जा निकलेगी एक ग्राम लकड़ी के जलने से। उसके बाद और भी क्या ड्रॉबैक है, अगर ये जलती है तो पीछे बहुत सारी राख बच जाती है, ये पूर्ण रूप से इसका दहन नहीं होता तो पीछे बहुत राख बच जाती है। ठीक। इस प्रकार तो ये इसकी कुछ हानियां हैं, किसकी, लकड़ी को अगर हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके लिए इसकी बहुत सारी हानियां हैं। जैसे कि मैंने बताया क्या, प्रदूषण होता है, दूसरा इसका उसमें मान कम होता है, और तीसरा क्या है, वही अगर जलती है तो पीछे क्या बच जाती है, बहुत सारी राख बच जाती है। एक और इसकी ड्रॉबैक है, एक और हानि है इसका प्रयोग करने की, क्या लकड़ी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है। अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो
तो वो सारे के सारे पोषक तत्व तो भी नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट ही नहीं होंगे, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कई बार नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड बनाते हैं, और वो बहुत ज्यादा वायु प्रदूषक होते हैं। इसलिए लकड़ी को प्रयोग करने से, ईंधन के रूप में प्रयोग करने से बहुत सारी हानियां होती हैं। इससे अच्छा है कि हम लकड़ी को किस में बदल दें, चारकोल में बदल दें। और लकड़ी को चारकोल में बदलने के लिए क्या किया जाता है, हालांकि मैं थोड़ा से पहले बता चुका हूं कि लकड़ी को चारकोल में बदलने के लिए हम लकड़ी को वायु की लिमिटेड सप्लाई में, मतलब सीमित मात्रा में, वायु की सीमित मात्रा में, देखो लकड़ी को अगर हमने वायु की उपस्थिति में जला दिया फिर तो ये जल ही जाएगी पूरी, इसमें राख नहीं, राख ही बचेगी बस। लेकिन अगर हम लकड़ी को लिमिटेड सप्लाई में, जैसे अनैरोबिक कंडीशन होती है, जैसे लकड़ी पृथ्वी के नीचे दबी थी तो वहां भी अनैरोबिक कंडीशन होती है, तो वहां की लकड़ी किसमें बदल गई, वो कोयले में बदल गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी, एक ये ब्लैक से मटेरियल में परिवर्तित हो जाएगी, काले काले से पदार्थ में बदल जाएगी, और उस काले से पदार्थ का नाम क्या होता है, उसके काले से पदार्थ का नाम होता है चारकोल। ठीक है, इस चारकोल का प्रयोग लकड़ी की तुलना में अच्छा होता है, क्यों क्यों क्योंकि भाई जब ये जलता है तो यह बिना धुएं के जलता है, इसलिए वायु प्रदूषण नहीं होता। क्या होता भाई, एक तो धुआं नहीं होता, ये पेपर में आते हैं कि क्या लाभ है, धुआं नहीं होता। दूसरा, ऊष्मीय मान इसका अधिक होता है, इसका चारकोल का, जैसे लकड़ी के 1 ग्राम जलने से 17 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, ऐसे ही चारकोल के 1 ग्राम जलने से लगभग 33 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, तो इसका ऊष्मीय मान अधिक है। ये पूर्ण रूप से जलता है, मतलब अगर पीछे जब ये जलेगा तो बाद में कुछ नहीं बचता, मतलब राख नहीं निकलती इससे। तीसरा, ठीक है, और क्या है, इसको बनाना भी आसान है और सुलभ है, प्राप्त करना सुलभ है, आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है ये। ठीक है, जहां लकड़ी अवेलेबल है तो वहां चारकोल भी अवेलेबल हो ही जाता है, तो इसके लाभ है किसके, चारकोल को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के। अब हम बात करते हैं किसकी, एनिमल की। एनिमल को हम किस तरह ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, देखो एनिमल को ऐसा तो है नहीं कि एनिमल को उठा कर जला दिया और उससे हम जो ऊर्जा मिली उसका प्रयोग करें, ऐसा नहीं करते हम करते क्या है, तो एनिमल वेस्ट का प्रयोग करते हैं हम। और एनिमल वेस्ट कौन सा, जैसे भी गोबर करते हैं, कौन करते हैं, जानवर, जैसे काउ डंग, मेनली जो घरों में हम गाय भैंस जो पालतू पशु हैं उनके गोबर का प्रयोग करेंगे, किसके लिए, हम ईंधन के रूप में। अब गोबर का प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो गोबर के भी उपले बना सकते हैं, या गोबर से गोबर गैस बना सकते हैं, गोबर गैस भी बना सकते हैं, और गोबर गैस को ही बोला जाता है बायोगैस, की बात याद रखना, गोबर गैस को ही बायोगैस कहा जाता है। तो उपले जब बनते हैं किससे, गोबर से अगर हम उपले को बना देंगे तो उपले का प्रयोग वैसे ही करते हैं हम जैसे लकड़ी का करते हैं। अब जब उपला जलता है तो उपले के जलने से भी बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, इसकी बहुत सारी हानियां होती है, हानि वही है जो मैंने अभी बताई थी। एक तो बहुत अधिक प्रदूषण होता है, किसके जलने से, उपले के जलने से। दूसरा, इसका कम ऊष्मीय मान होता है, ऊष्मीय मान कम होता है, ठीक है। तीसरा, राख निकलती है इसमें से बहुत ज्यादा। चौथा भाई, गोबर के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और सल्फर होता है, क्योंकि ये लकड़ी से बनते हैं, मतलब जब कोई जानवर घास फूस खाएगा, वो घास फूस क्या है तो प्लांट प्रोडक्ट ही, उस प्लांट प्रोडक्ट में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, वो एनिमल के अंदर जाएंगे, और एनिमल में जाएंगे तो वो कुछ पोषक तत्व गोबर के साथ बाहर निकलेंगे, इसका मतलब गोबर के अंदर कुछ पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और सल्फर। अब हम इसको जला देंगे तो ये पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे, अगर हम इनको ना जलाएं तो हम इनका प्रयोग खेतों में कर सकते हैं, ये क्योंकि ये पोषक तत्व है, तो ये पोषक तत्व पोषण प्रदान करेंगे किसको, प्लांट्स को, अगर हम इनको खेतों में डालते हैं। तो ये बात होगी, उपले का प्रयोग करेंगे, अगर गोबर को उपले के रूप में प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी हानियां हैं, लेकिन गोबर को जिस प्रकार हमने पढ़ लिया कि प्लांट से लकड़ी मिलती है, अगर हम लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी हानियां होती है, अगर लकड़ी से चारकोल बना लेंगे तो हमारे बहुत सारे फायदे हैं। ये क्यों हुआ, देखो पहले तो हम लकड़ी का ही प्रयोग कर रहे थे ट्रेडिशनल लेवल पे, लेकिन तकनीकी सुधार से, मतलब हमने टेक्नोलॉजी में सुधार किया तो हमने इससे चारकोल बना लिया और चारकोल एक स्वच्छ ईंधन प्राप्त हुआ। पहले हम गोबर से उपले बनाते थे, उपले का ही प्रयोग करते थे, लेकिन बहुत सारी हानियां होती थी, टेक्नोलॉजी में सुधार किया तो हमने क्या बना लिया, हमने गोबर गैस को बना लिया।
गोबर गैस क्या है, बायोगैस क्या चीज है? बायोगैस भाई एनिमल जो वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट मतलब जो गोबर होता है या हमारे घरों से निकलने वाले जो छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके या फार्म में बचा, खेतों में बचे हुए जो अवशेष होते हैं, हम उनका प्रयोग गैस बनाने में कर सकते हैं। जब हम उनका प्रयोग करेंगे तो उनमें बहुत सारे जटिल पदार्थ होते हैं। अब अगर एनिमल प्लांट प्रोडक्ट को खाएगा, प्लांट में तो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है भाई, सेलुलोज भी होता है प्लांट के अंदर। अब उसमें से कुछ का तो डाइजेशन हो जाएगा, कुछ बिना पचे हुए पदार्थ ऐसे ही निकल जाएंगे। तो गोबर के अंदर क्या होता है, कुछ जटिल पदार्थ है, कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और सेलुलोज, सेलुलोज ये चीज है। किसके अंदर है ये हमारी गोबर के अंदर, ठीक है। अब जब हम इनको पानी में मिक्स करके, गोबर को पानी में मिक्स करके और गड्ढे में डाल दें, तो लगभग ये समझ लो कि 50 से 60 दिन में इनका अपघटन शुरू हो जाएगा। और जब ये टूटेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, और रासायनिक अभिक्रिया होगी तो नए पदार्थों का निर्माण होगा, और नए पदार्थों का निर्माण होगा तो साथ में कोई ना कोई गैस निकलेगी। तो इनके अपघटन से जो गैस प्राप्त होती है उसी को बोला जाता है बायोगैस। और बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, CH4 मीथेन होता है। और हमें पता है कि मीथेन तो एक अच्छा ईंधन है और स्वच्छ ईंधन है। अगर हमें बायोगैस में मीथेन प्राप्त हुई तो मीथेन तो आसानी से जल जाएगी। इसका मतलब है बायोगैस एक अच्छे ईंधन की तरह काम आ सकती है। तो हमने बनाना है बायोगैस, ठीक है। कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम बनाएंगे बायोगैस संयंत्र। तो बायोगैस प्राप्त करने के लिए हम बनाएंगे बायोगैस संयंत्र। अब हम पढ़ने वाले हैं कि बायोगैस संयंत्र किस प्रकार कार्य करता है, उसकी बनावट क्या है, चलो देखते हैं। देखो बायोगैस संयंत्र क्या होगा, बायोगैस संयंत्र में हम एक गड्ढा बनाते हैं और उस गड्ढे में कंक्रीट से और ईंट से, ईंट सीमेंट से मिला के एक टैंक बना देंगे। ये गड्ढा खोद के और एक टैंक हमने बना दिया। ये टैंक ऊपर से डोम शेप का होता है, डोम मतलब इस प्रकार से डोम शेप का होगा, और यहाँ पे इसके अंदर एक पाइप लगी होगी, ठीक, और एक नोब लगी होगी। नोब का मतलब है भाई इसको जो बंद कर सके, ऑन कर सके और ऑफ कर सके, ये पाइप है, ऐसे लगा होगा। पहली बार मतलब गड्ढा खोद के हमने एक टैंक बनाया। अब कोई एक ऐसी चीज इसमें डालेंगे, मतलब कोई ऐसा रास्ता जो इसके अंदर हम गोबर को डाल सके, तो उसके लिए हम बनाएंगे एक इनलेट। इनलेट मतलब जिससे हम गोबर और पानी का मिश्रण इसके अंदर डाल सके। तो ये एक इनलेट इसके अंदर बनाएंगे, ये वाला, ये है क्या, इसको बोलते हैं इनलेट। इनलेट का मतलब जिसमें से हम गोबर और पानी दोनों समान मात्रा में उनको मिश्रण तैयार करके और इसमें डालते हैं, वो इसमें से होता हुआ इसमें आएगा भाई, ठीक है। अब एक आउटलेट यहाँ पे होता है, वो थोड़ा ऊपर होगा इस प्रकार से, ये ऐसे होता है, ये आउटलेट है, एक इनलेट है, एक आउटलेट है। तो ये क्या हुआ, इनलेट। इनलेट मतलब भाई अंदर डालने के लिए, ये है आउटलेट। आउटलेट मतलब बाहर निकालने के लिए, और ये है इसका मेन टैंक चैम्बर जिसमें अभिक्रिया होगी, किसके लिए, बायोगैस बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, हम गोबर और पानी प्लस पानी का एक मिश्रण तैयार करेंगे, वो इसमें डालेंगे, वो इसमें से होता हुआ यहाँ टैंक में जाएगा। लगभग 50 से 60 दिन के अंदर इसमें अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, और अभिक्रिया कौन करवाएगा, अभिक्रिया करवाएगा कुछ अवायवीय जीवाणु करवाएंगे। अवायवीय जीवाणु मतलब क्या, अनएरोबिक बैक्टीरिया। वो कहाँ से आए इसके अंदर, देखो जो एनिमल होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कुछ अवायवीय जीवाणु होते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया पहले से होते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो गोबर के साथ ही
बाहर निकल जाते हैं। तो जब हम गोबर को डालते हैं इसमें तो वो गोबर के साथ इसी में आ जाएंगे। धीरे 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 वो इस गोबर में उपस्थित जो जटिल पदार्थ हैं कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सेलुलोज वगैरह है, इनको तोड़ना शुरू करेंगे। और जब ये टूटेंगे तो इनसे कोई सिंपल पदार्थ निकलेगा, मतलब सरल पदार्थ निकलेंगे। जटिल पदार्थ है तो इनसे क्या निकलेगा, सरल पदार्थ निकलेगा। जिस प्रकार पाचक एंजाइम हमारे पेट में या हमारी आंत में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं, तो वहां भी कुछ गैसें निकलती हैं, ठीक है, कई बार गैसें आप छोड़ते भी हो, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो गोबर में उपस्थित जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं। यहाँ पे जो टूटते हैं वो कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सेलुलोज वगैरह। जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, क्योंकि गोबर के अंदर मैंने बताया था अभी सल्फर तत्व होता है, नाइट्रोजन तत्व होता है, जो पोषक तत्व है उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। यहाँ पे टूटने वाले कौन से हैं, सिर्फ कार्बनिक पदार्थ जो जटिल होंगे। अब वो टूटेंगे तो साथ में गैस उत्पन्न होगी, और वो गैस देखो इस चैम्बर को इतना भरते हैं जहां तक इसकी भाई ये डोम शुरू होता है ना, वहां तक इसको पूरा भर देंगे और ऊपर वाली जगह को खाली छोड़ देंगे, किसके लिए, ताकि इसमें गैस इकट्ठी हो जाए। 50-60 दिन के बाद इसमें गैस बनाना शुरू होता है, क्यों, तब तक भाई इतना टाइम तो लग ही जाता है जटिल पदार्थों को तोड़ने में, तो बैक्टीरिया उन जटिल पदार्थों को तोड़ेंगे सरल पदार्थों में, तो गैस निकलती रहेगी, वो गैस यहाँ इकट्ठी होना शुरू कर देगी। जब गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो प्रेशर के कारण इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, तो सलरी इधर आ जाएगी निकल के इस साइड, ठीक है, तो यहां से उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालेंगे तो जो हमने निकाल ली है बाहर, उसको अब खाद के रूप में प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व अभी भी मौजूद है, वो टूटे नहीं है। जैसे कि मैंने बताया जो वो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व थे वो अभी भी इसके अंदर मौजूद हैं, तो हम इसको खाद के रूप में खेतों में डाल सकते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे, ठीक भाई। एक बार देखो स्टार्टिंग में जब इसमें हम गोबर डालते हैं तो इसमें गैस बनने में 55-60 दिन या 65 दिन का टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक बार जैसे बननी शुरू हो जाएगी उसके बाद कंटिन्यूस बनती रहेगी। क्यों, जैसे जैसे इसमें प्रेशर बढ़ता रहेगा हम इधर से गोबर निकालते रहेंगे और गोबर अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ नीचे वाला है तो ये इसके संपर्क में, ये इसके संपर्क में, ये अपने आप इधर खिसकता रहेगा और इसको हम बाहर निकालते रहेंगे, गैस बनती रहेगी। अब इस गैस को आसानी से पाइपों द्वारा हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं, जहां भी इसकी जरूरत है वहीं पे इसको हम ट्रांसपोर्ट या पाइप द्वारा आसानी से घरों तक भी पहुंचाया जा सकता है, ठीक। इस प्रकार ये काम करता है क्या, बायोगैस संयंत्र। अब यहां पे जो गैस इकट्ठी होती है उस गैस में कौन कौन सी गैसें होती है, उसमें मुख्य रूप से 75% तो होती है मीथेन। ये समझ लो मैं बायोगैस की कंपोजिशन बता रहा हूँ कि पेपर में आता है कि बायोगैस में कौन कौन सी मुख्य गैसें होती है, तो सबसे मुख्य गैस जो इसमें है वो तो मीथेन है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और इसमें होती है भाई हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और साथ में हाइड्रोजन गैस भी होती है। तो ये चार गैसें इसमें मुख्य रूप से होती है, सबसे ज्यादा होती है मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर होती है हाइड्रोजन, ठीक। इन चार से मिलकर बायोगैस बनती है। मुख्य गैस है मीथेन और मीथेन एक स्वच्छ ईंधन है, इसलिए हम बायोगैस का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसके लाभ क्या है, किसके लाभ है बायोगैस बनाने के लाभ क्या है। देखो लगभग सभी में वही लाभ आते हैं, क्या पहला भी एक स्वच्छ ईंधन है, ये एक स्वच्छ ईंधन है, तो लाभ में सबसे पहला क्या हुआ भाई, यह एक स्वच्छ ईंधन है और यह बिना प्रदूषण के जलता है। दूसरा क्या हो गया बायोगैस का, दूसरा लाभ क्या हो गया भाई, इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है, ऊष्मीय मान अधिक होता है। तीसरा इसका क्या है कि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। चौथा लाभ क्या होगा किसका, बायोगैस का, कि हम इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब भाई परिवहन इसका आसान है, परिवहन करना आसान होता है, किसका, बायोगैस का, ठीक है। और क्या इसके लाभ हैं, एक और लाभ यह भी है कि जब ये जलता है तो इसमें राख उत्पन्न नहीं होती, राख नहीं निकलती इसमें, ठीक है, ये इसका लाभ है।
इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे लाभ है भाई, क्या कि बायोगैस का प्रयोग हम लाइटिंग लाइटनिंग में कर सकते हैं, मतलब प्रकाश के लिए कर सकते हैं, या इंजन चलाने के लिए कर सकते हैं, या फिर विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। वो किस प्रकार करते हैं वो अब मैं भी बताता हूँ आप लोगों को। तो भाई ये बहुत सारे लाभ हैं किसके, बायोगैस के। पेपर में आते हैं कि बायोगैस के कौन कौन से लाभ है। इसका एक और लाभ है इम्पोर्टेंट है, वो बात रह गया था कि बायोगैस में जो हम गोबर का प्रयोग करते हैं और बाद में जो सलरी बच जाती है वो वेस्ट नहीं होती, हम उसका प्रयोग खेतों में खाद के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। बायोगैस का प्रयोग जैसे कि मैंने बताया हम प्रकाश के लिए कर सकते हैं, मतलब लाइटनिंग के लिए, या हम इंजन को चलाने के लिए कर सकते हैं, या फिर विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। विद्युत धारा कैसे उत्पन्न करेंगे बायोगैस के साथ, बायोगैस से हम पहले पानी को गर्म करेंगे, फिर पानी से भाप से उससे टरबाइन चला सकते हैं, ये तरीका अपना सकते हैं, या फिर बायोगैस से डायरेक्ट इंजन चलाओ, इंजन भी चल सकता है डायरेक्ट, जैसे डीजल से इंजन चलता है वैसे ही बायोगैस से भी इंजन को हम रन करवा सकते हैं। अब एक बार इंजन रन कर गया तो उस एक बार देखो कोई भी चीज बस मूव करनी चाहिए, हम एक बार मूव कर गई तो हम उसका प्रयोग किसी भी चीज में कर सकते हैं, जैसे ट्यूबवेल से पानी को निकालने के लिए कर सकते हैं, इंजन से पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं हम इंजन के साथ, तो इंजन अगर हम गैस से चलाएंगे तब भी तो वो पानी निकाल सकता है, तो ट्यूबवेल चलाने के लिए या पानी निकालने के लिए हम बायोगैस का प्रयोग कर सकते हैं। लाइटनिंग के लिए जैसे कि मैंने बता दिया वो हो गया है। इसके अलावा विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इंजन चला किससे, बायोगैस से, उस इंजन को हम विद्युत जनित्र से जोड़ दे तो विद्युत जनित्र भी तो रन करना शुरू कर देगा, और वो रन करेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या बायोगैस, मुख्य रूप से बायोगैस पे ही निर्भर था, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ बायोगैस के बारे में ही बताया गया है, बाकी जो चीजें थी थोड़ी बहुत वो तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दी है। ठीक, तो भी देखो कई बार डिस्टर्बेंस हो जाती है आसपास, लोग बोलते हैं तो मेरे को वीडियो बंद करनी पड़ती है बार बार, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना, बस जो अच्छी चीज़ है उस पर कंसंट्रेट करो। अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा है कि अच्छा कुछ बताया जा रहा है तो उस पर कंसंट्रेट करो, और बेकार की चीज़ पे अगर नेगेटिव चीज़ पे ध्यान दोगे तो चीज़ नेगेटिव ही लगेगी, लगेगा कि खराब ही है सब कुछ, और ये महसूस करोगे कि हाँ अच्छा चल रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो फिर वो चीज़ें दिमाग में ही नहीं आएंगी। अगर वीडियो को सीखने के पर्पज से अगर देख रहे हो आप, तो जो चीज़ें साथ में दूसरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना, वो आवाज़ आप लोगों को सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि जो लोग जिन लोगों का माइंड टॉपिक पे ही होता है उनको फिर आसपास की आवाज़ें सुनाई नहीं देती, उनको सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। ठीक है, तो भाई टॉपिक पे ध्यान लगाओ और समझने की कोशिश करो बस। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक था बायोगैस, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाई हमारा क्या बच गया इसमें, ये हो चुका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा, ये हो चुका है, तो हमारे तीन बच गए हैं, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।